पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें। नाम चेंज करना है तो अपने नाम भी चेंज करें और फिर शहरों पर आए। शाह फारसी का लफ्ज है, अब क्या बदलते कि रखते नहीं। यूपी के योगी सरकार ने शहरों के नाम बदलने की जो मुहिम शुरू की है वो अब रंग ला रही है। बात अब शहरों का नाम बदलने तक ही नहीं रह गई है। डिमांड आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी अपना सरनेम बदल डालना चाहिए। क्यों बदल डालना चाहिए, इसकी भी एक ऐतिहासिक वजह है जिसे सबसे पहले इतिहासकार इरफान हबीब ने उजागर किया। जाति नाम में ये हो जाते हैं, मजूमदार है, मुंशी है, शाह है, इतने नाम हैं, तो क्या ये सबके नाम बदले जाएंगे? तो अमित शाह का नाम किस उसमें है? नहीं, शाह का जो लफ्ज है ये फारसी लफ्ज है, संस्कृत का तो है नहीं ये। तो नाम से पहले मतलब शहरों के नाम जो चेंज हो रहा है उससे भाई, तो अगर नाम चेंज करना है तो अपने नाम भी चेंज करें और फिर शहरों पर आए। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम में शामिल सरनेम शाह इंपोर्टेड है, जो ईरान से फैलते हुए भारत आया था। इतिहासकार इरफान हबीब ने तो वैसे नाम बदलने का सिर्फ सुझाव दिया था, लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी ने तो अमित शाह को नाम बदलने की चुनौती ही दे डाली। और आज किसी ने अच्छा कहा नाम तब्दील कर रहे, ये जो शाह है ना अमित शाह के नाम में, ये फारसी का नाम है, अब क्या करते नहीं मालूम इनू कलम। शाह फारसी का लफ्ज है, अब क्या बदलते कि रखते नहीं मालूम उसको, क्या करते नहीं मालूम शाह को, क्या करते नहीं मालूम। वैसे बीजेपी की नाम बदलने वाली परंपरा से सिर्फ उसके विरोधी ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे। जब सीएम योगी ने मिर्जापुर को अयोध्या का नाम दिया था तो उसके रिएक्शन में योगी सरकार के सहयोगी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी सरकार के मुस्लिम मंत्रियों के हिंदू नामकरण की सिफारिश की। तो भारतीय जनता पार्टी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा, पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें। ये तीनों जो उनके साथ मुस्लिम चेहरा है, इन तीनों का नाम तो बदल दें। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, सीएम योगी तो कह ही चुके हैं कि उन्हें जो सही लग रहा है वो वही कर रहे हैं, इसीलिए अमित शाह तो अपना नाम बदलने से नहीं, लेकिन यूपी में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला यूं ही चलता रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।